ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा क्योंकि इंडिया नहीं हारने वाला, बिकॉज विराट कोहली फॉर्म में वापस आ गया और वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। पहले बैटिंग करेगा नहीं है बॉलिंग करेगा? वो बैटिंग ही साइड में जाएगा क्योंकि उनके पास बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर हैं, तो जब इस टाइम ऐसी सिचुएशन होती है तो इसमें जो छोटी टीमें होती हैं उनको चेज़ करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो इंडिया यही होगा कि पहले उनको टारगेट सेट करेगा, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है बड़ा ही बड़ा टारगेट सेट करेगा। ये दिन कब आएगा जब हम यहाँ पे खड़े होकर ही अपनी टीम की तारीफें करेंगे? ये दिन कब आपको नजर आता नजर आ रहा? ये सपने में है का बस। और क्या आपको लगता है जिम्बाब्वे अब इंडिया को हरा पाएगी जैसे पाकिस्तान को हराया? नहीं, इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, मेरे ख्याल में इंडिया जीत जाएगा मैच। नहीं, ये तो पाकिस्तान की टीम नहीं है जो प्रेशर ले पूरे वर्ल्ड कप में, अब देख ले क्लास बैट्समैन है सारे। जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में काफ़ी टफ टाइम दे रहा है, लेट्स सी व्हाट हैपन, अदरवाइज इंडिया ऑलवेज बेस्ट है, वो ऐसी टीमों से और ऐसी जो सिचुएशन है ना वो कभी नहीं हारती। जाहिर सी बात इंडिया जीत जाएगी। यार मैं तो ये कहता हूँ कि हम डिजर्व ही नहीं करते सेमीज में जाना, वो इसलिए कि देखें ना हमारी जिस तरह की परफॉर्मेंस है, तो मैं नहीं चाहता कि ये सेमी में हम जाके हारें, तो बेहतर है कि अभी हम हार के बाहर हो जाएं। वो जो उनके दूसरे मैचेस हैं इंडिया का और साउथ अफ्रीका का, वो दोनों अच्छी टीम्स हैं, वो विन करें, वो डिजर्व करते हैं, वो सेमी में जाएं। देखें ना जैसे हमारी टीम हर छोटी से छोटी टीम का प्रेशर ले लेती है, इंडिया क्यों नहीं लेती है? हमें क्या उनसे सीखना चाहिए? इसलिए नहीं लेती कि इंडिया हमेशा अपने लिए सारे टीम के लिए मैच खेलती है। पाकिस्तान का एक प्रॉब्लम है, वो सिर्फ हर बैट्समैन ये सोचता है कि मैं अच्छा खेलूँ और मेरा नाम आ जाए, मेरा स्कोर बढ़ जाए, मैं T20 का खिलाड़ी बन जाओ, बस इस वजह से पाकिस्तान हमेशा पीछे रह जाता है, कमजोर से कमजोर टीम वो लोग हरा के चले जाते हैं। क्योंकि सिचुएशन अब ऐसी बनी हुई है, इंडिया ने बांग्लादेश को हराना है, उधर से साउथ अफ्रीका को भी हारना चाहिए, और इंडिया भी हारे फिर पाकिस्तान आगे जाएगा। क्या ये सारी सिचुएशन आपको समझ आ रही है? पाकिस्तान के चांसेस हैं? चांसेस तो 100 में से 95% तो चांसेस नहीं है, 5% हो सकता है, हो सकता है अगर पाकिस्तान अच्छा मैच जीत ले, रन रेट उन लोगों का बढ़ जाए तो फिर हो सकता है कुछ। इंडिया अगर जिम्बाब्वे इंडिया को हरा दे और साउथ अफ्रीका जैसी टीम, मतलब मुश्किल है। और जैसे पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे टीम का प्रेशर ले लिया था, क्या इंडिया प्रेशर लेगी जिम्बाब्वे का? नहीं नहीं, पाकिस्तान तो बस जो भी चले बैड लक था, कुछ भी था अदरवाइज, लेकिन इंडिया ऐसी सिचुएशन जब भी हुई है ना, जैसे भी हुई, इंडिया कभी नहीं हारा, सारा कुछ देख लें, हिस्ट्री भी देख लें, तो जिम्बाब्वे जो उनसा जिम्बाब्वे टफ टाइम दे रहा है, मोस्टली टीमों को उन्होंने टफ दिया, 16 में भी, उसके बाद इधर भी आया, सिकंदर रजा फॉर्म में है, विलियम्स फॉर्म में है, एक दो और फॉर्म में, उनके बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं, मजूरे भी सॉरी, और तो बाकी क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी दुआएं तो यही हैं कि जिम्बाब्वे ही जीते। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी जाए तो अच्छी थी, पाकिस्तान को जिम्बाब्वे वाला मैच नहीं हारना चाहिए था, पहला मैच बहुत क्लोज हुआ उसकी हमें मतलब इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन जिम्बाब्वे से इनको मैच जीतना चाहिए था, अगर आज जिम्बाब्वे से मैच जीते होते तो ये सिचुएशन ना आती, हमें ये ना देखना पड़ता कि जिम्बाब्वे उसको हरा दे इंडिया को या कुछ भी कर दे, तो इसलिए पाकिस्तान की अपनी ही खामियां हैं। आई थिंक पाकिस्तान को अपनी प्लानिंग और अच्छी करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्ल्ड कप में ठीक, लेकिन अभी मुझे कोई चांस नज़र नहीं आ रहा कि पाकिस्तान, अब देखें ना सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी बाबर आजम और रिजवान से, लेकिन इनका पावर प्ले में स्ट्राइक रेट ही बहुत कम है, जैसे लास्ट मैच में हारिस ने खेला, उन्होंने मतलब कि बताया कि ऐसे खेलना चाहिए, मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान को अच्छा पावर प्ले खेलना है तो इनको हारिस की तरह बैटिंग करना होगी, और अगर तो मतलब कि अपनी ये अप्रोच चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, लेकिन अभी तो कोई चांस नहीं लग रहा क्योंकि इंडिया नहीं हारने वाला, बिकॉज विराट कोहली फॉर्म में वापस आ गया और वो बहुत ही अच्छा प्लेयर है। अगर कल इंडिया टॉस जीतता है, पहले बैटिंग का फैसला करना चाहिए या बॉलिंग का? इंडिया को पहले बैटिंग का फैसला करना चाहिए। क्या वजह? कि जिम्बाब्वे पर प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो प्रेशर कैसे डालेंगे, ज़्यादा बड़ा स्कोर करके तकरीबन 170-160 प्लस करके ना दायरे में, बस दो विकेट आ जाए, बस जिम्बाब्वे पर प्रेशर आ जाए, प्रेशर में आ जाएगी। आपको क्या लगता है पहले बैटिंग करनी चाहिए इंडिया को या बॉलिंग? इंडिया का अगर मतलब इस फॉर्म में अगर इंडिया को देखें हम लोग, फील्डिंग करें या बॉलिंग करें, इंडिया तो जाहिर सी बात है जीत जाएंगे। अगर उन लोगों की बैटिंग देखी जाए, फील्डिंग देखी जाए, एक से बढ़कर एक बॉलिंग है उन लोगों के पास, फील्डिंग अलग से, विराट को देखा जाए, ये दीपक पांडे क्या नाम है उसको, अब मतलब बॉलिंग भी उन लोगों की फर्स्ट क्लास है और बैटिंग देखी जाए तो वो तो आपके लिहाज से इंडिया अगर टॉस जीतता है, रोहित शर्मा पहले बैटिंग करेगा नहीं है बॉलिंग करेगा? वो बैटिंग ही साइड में जाएगा क्योंकि उनके पास बड़े नाम हैं, बड़े प्लेयर हैं,
तो जब इस टाइम ऐसी सिचुएशन होती है तो इसमें जो छोटी टीमें होती हैं उनको चेज करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो इंडिया यही होगा कि पहले उनको टारगेट सेट करेगा, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है बड़ा ही बड़ा टारगेट सेट करेगा। कितने तक का बड़ा टारगेट दे सकता है इंडिया? यही 180 प्लस। हाँ 180 प्लस जाएगा। कौन सा प्लेयर है, क्योंकि हमारे जैसे देखेंगे इंडियन टीम में विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव, ये दोनों बहुत हाईलाइट पूरे वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, बड़ा बहुत बड़ा स्कोर मार रहे हैं, इन दोनों में से कौन सा प्लेयर सेंचुरी मारने के चक्कर में है? नहीं सेंचुरी तो नहीं, अभी दोनों में नहीं इतनी इस टाइम जोन से ना, दोनों में सेंचुरी वाली साइड पे तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि कल हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि रोहित अच्छा खेले। रोहित शर्मा? हाँ रोहित ऐसे मैचेस में अक्सर होता है कि रोहित मार जाता है। इंडियन बैटिंग लाइन के बारे में आप क्या कहोगे? वो जिस तरीके से उन्होंने अपनी बैटिंग लाइन स्ट्रॉन्ग रखी हुई है, उनका ओपनिंग तो उन भी नहीं चली, रोहित शर्मा और के आर राहुल वो भी स्टार्ट में आउट हो जाते हैं, अकेला विराट कोहली लेके चल रहा है, क्या बाबर आजम को भी डाउन आना चाहिए थोड़ा? बाबर आजम की वन डाउन आना चाहिए क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ही प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो बाबर आजम अगर वन डाउन आएगा तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पोजीशन बेटर हो सकती है। तो अगर कल रोहित शर्मा टॉस जीतेगा जिम्बाब्वे के खिलाफ, पहले वो बैटिंग करेगा या बॉलिंग? वो पहले आई थिंक मेरे ख्याल में वो बॉलिंग करेगा, एडिलेड की पिच है उधर, मतलब कि फास्ट बॉलर को ज़्यादा एज मिलता है, सिडनी की जैसे शिदाब खान ने सिडनी में अच्छी बॉलिंग की, सिडनी की जो पिचेज है ना वो स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे मेरे ख्याल में, जो मैं मैच देख रहा हूँ ना, तो मेरे ख्याल में एडिलेड में फास्ट बॉलर ज़्यादा चलेंगे, लेकिन इंडिया की इतनी खास बॉलिंग फास्ट बॉलिंग है भी नहीं, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे के खिलाफ तो बहुत अच्छी बॉलिंग है, वो जीत जाएंगे। सर हर्षदीप सिंह उनका अच्छा बॉलर है, मुझे पर्सनली पसंद है वो, आप क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे या बॉलिंग करेंगे? मेरे ख्याल पहले बैटिंग करेंगे, वो बैटिंग देंगे, उनकी बैटिंग लाइन मेरे ख्याल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो बड़ा टारगेट उनको देंगे और इजीली उनको जल्दी जो है ना पकड़ लेंगे, मेरे ख्याल पहले बैटिंग करेंगे। कोई मैटर नहीं करता इंडिया के लिए कल का मैच, वो इजीली जीत जाएंगे। बिल्कुल मुझे भी यही लग रहा है कि वो जीत जाएंगे। सूर्य कुमार यादव भी बहुत अच्छा प्लेयर है, वो तो सीधी शॉट खेलता ही नहीं है वो, बिल्कुल सूर्य कुमार उसका नंबर वन, वो बहुत दूर चलेगा, उसका नंबर वन बनना बनता है क्योंकि उसके पास शॉट्स हैं, T20 वाले शॉट्स हैं, वो इनकी तरह नहीं, अगर बाबर आजम और रिजवान को देखा जाए ना तो ये वो मैच खेलते हैं जैसे कि बहुत ही स्लो खेलते हैं, लेकिन ये हर बी टीम और सी टीम के खिलाफ खेलते रहते हैं, तो इसलिए अब देखा जाए तो उसके 1000 रन हो गया है उसका, लेकिन उसके 530 बॉल्स उसने खेली हैं, मतलब कि उसका 180 प्लस का स्ट्राइक रेट है, और इनके स्ट्राइक रेट ही 100 स्ट्राइक रेट भी नहीं है इनका, बाबर आजम और बाबर आजम का स्ट्राइक रेट है 145 के करीब, और जब वो रिजवान के साथ खेलता है तो इसका स्ट्राइक रेट बहुत ही लो होता है, लेकिन वो जब किसी और के साथ ओपन करता है तो उसका स्ट्राइक रेट अच्छा था। दो एक ही अप्रोच वाले प्लेयर ओपनर नहीं हो सकते, उसको फखर जमान को उसके साथ ओपनिंग करनी चाहिए, तो होप्स हो कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं पावर प्ले में। ये दिन कब आएगा जब हम यहाँ पे खड़े होकर ही अपनी टीम की तारीफें करेंगे, ये दिन कब आपको नजर आता नजर आता? ये सपने में आएगा बस, और कुछ नहीं है। ये दिन तब आएगा जब ये लोग हार से वो डरेंगे नहीं, जब तक ये डरेंगे तो ये लोग इसी तरह हार जाएंगे हर टाइम। बॉलर से डर जाते हैं, हर छोटी से छोटी टीम का प्रेशर ले लेती है, अगर 140 स्कोर भी हो हम 140 स्कोर के मुताबिक खेलते हैं अपने रन रेट को लेके, या बस प्रेशर होता है उन पे, बस हार से डरते हैं ये लोग। रमीज भाई ने कहा ना कि हार से जब तक ये लोग डरेंगे नहीं तो आगे नहीं जा पाएंगे। पाकिस्तान में तब जीतेंगे जब ये लोग अपने सारे टीम के लिए खेलेंगे, इस तरह कभी भी नहीं जीतेंगे, आवाम के लिए खेलेंगे, इस सोच से ये लोग कभी अगर आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि हम लोग अच्छा स्कोर करेंगे, 50 मारेंगे, रन रेट बढ़ जाएगा हम लोगों का, ये करेंगे वो करेंगे, इस सोच से अगर ये पाकिस्तान खेलेंगे तो कभी कमज़ोर से कमज़ोर टीम उन लोगों को हरा के चली जाएगी। और उसके बाद है विराट है, स्काई है, वो दोनों ही फॉर्म में है, तो इनकी डी बैटिंग है वो, बाकी ये कि 180-186 तक हो जाएंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं, बाकी जिम्बाब्वे भी अच्छी फाइट करेगा, तो बाकी वेदर के भी कुछ चांसेस हैं। पाकिस्तानी टीम को इन फ्यूचर के लिए कोई मैसेज, आगे क्या प्लानिंग करके आना चाहिए? इनको यही कि अपने ओपनिंग पेयर जो है ना पावर प्ले इनको अच्छा खेलना चाहिए, अगर तो T20 क्रिकेट खेलनी, क्योंकि T20 क्रिकेट बहुत मॉडर्न हो गई है, तो अगर तो इनको खेलना होगा, इनको स्ट्राइक रेट अपना अच्छा रखना होगा, और मतलब कि तेज़ क्रिकेट खेलनी होगी। नो डाउट मिडिल ऑर्डर में बहुत प्रॉब्लम आ रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 मैच देखे जाएं तो मिडिल ऑर्डर ने ही स्कोर किया, क्योंकि पूरे टूर्नामेंट में हमारे ओपनर नहीं चले दोनों, उसके बावजूद अगर ओपनर चल जाते तो इंशाल्लाह आज हम सेमी में होते, तो आई थिंक अभी तो कोई नजर नहीं आ रहा है। ये सारी हमारी टीम की परफॉर्मेंस आप किस पे डालते हैं, हमारे जो बैट्समैन हैं उन पे या फिर हमारी जो सिलेक्टेड टीम है उनको? नहीं देखो ना, प्लेयर जो भी है पाकिस्तान के लिए खेलता है वो तो अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता है ना, तो मेरे ख्याल में सारी टीम की एफर्ट अच्छी है, लेकिन कुछ टाइम रिजल्ट नहीं हाथ में होते, तो इसलिए हम किसी को नहीं ब्लेम करेंगे, हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए और मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे। क्या आप चाहते हैं कि हमारा एशिया के अंदर सिर्फ इंडिया ही आगे जा रही है और इंडिया ही वर्ल्ड कप जीत के आए? इंडिया नहीं आगे, आज ऑस्ट्रेलिया भी बाहर हो गई है, पता लगा आपको? बिल्कुल पता लगा मुझे, मेरे ख्याल में ये इंडिया का ये वर्ल्ड कप अच्छा रहा है, लास्ट वर्ल्ड कप में इंडिया पहले ही दो मैच हार के बाहर हो गया था, तो मेरे ख्याल में
किस्मत पाकिस्तान की अच्छी नहीं थी, जो पहले दो ही मैच हार गया जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इंडिया से बहुत क्लोज मैच हुआ लेकिन इनको जिम्बाब्वे से जीतना चाहिए था, फिर ये कुछ भी नहीं इस तरह के हालात देखने पड़ने थे, इन्होंने इजीली सेमी में पहुंच जाना था। लेकिन मेरे ख्याल में अभी जैसे भाई ने कहा ये डिजर्व नहीं करते, तो मेरे ख्याल में इनको वापस ही आ जाना चाहिए।